16 अक्टूबर सन 2024 यह है शरद पूर्णिमा का दिन और ऐसा पावन दिन जिस दिन चंद्रदेव धरती के बहुत ही करीब होते हैं और ये दिन आपके जीवन का एक ऐसा दिन हो सकता है जो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं खासकर मानसिक शारीरिक और आर्थिक जैसे कि पैसा ना टिकना कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कुछ दुख व्याधियां या परेशानियां रह सकती हैं। उनका उपाय कैसे करना है, इस दिन कैसे एक खीर का उपाय करना है, जल का उपाय करना है, चांदी का उपाय करना है, कुछ ऐसे ही उपाय जो कि चंद्रदेव की आपको वो कृपा वो ऊर्जा आपके साथ बना देंगे जो कि आपको ज़रूरत है और जिनके अभाव में कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनेकों ऐसी परेशानियां चल रही हैं जो चंद्रदेव यानी कि चंद्र ग्रह की कहीं ना कहीं कमज़ोरी आपकी कुंडली में वो आपको परेशान कर रही है। तो ये कमज़ोरी और ये परेशानी को दूर करने का एक ऐसा सरल तरीका जो कि शरद पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है, ऐसा तरीका जो आपके जीवन में हर तरह से चांदनी बिखेरने के लिए आया है, बस इस दिन को सही ढंग से हमें इस्तेमाल कर लेना है। इस दिन के गुणों को समझ के हम अपने जीवन में फायदा ला सकते हैं क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से सुसज्जित होते हैं। पूर्ण कलाएँ यानी कि 16 कलाएँ इनकी इस दिन विराजमान होती हैं और वही ऊर्जा आपके जीवन में आप ले सकते हो। तो दोस्तों 16 अक्टूबर सन 2024 ये वो एक ऐसा पावन दिन है जिस दिन कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र सब एक ही सीध में आ गए हैं और एक ही लाइन में आ गए हैं जिस दिन ये घटना घटी है या घटने वाली है या घटेगी, कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो इसी तरह से एक वो दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्र ग्रह आपके धरती के इतने करीब होते हैं कि उनकी ऊर्जा को लेना उनकी ऊर्जा को महसूस करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, हमारे भौगोलिक हमारे खगोलीय इस तरह की चीज़ें ये क्या हो रही हैं और इन्हीं का ही फायदा इन ऊर्जाओं का ही फायदा लेना होता है। शरद पूर्णिमा जिस दिन विष्णु पूजन भी होता है और श्री हरि का इसमें नाम ध्यान जप व्रत इत्यादि किया जाता है, शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्र ग्रह हैं ये अपनी पूरी 16 कलाओं से सुसज्जित होते हैं, इनके अंदर फुल वो एनर्जी होती है फुल वो पावर होती है और वही पावर आपके जीवन में चंद्र ग्रह की खराबी को दूर करने में सक्षम है। अगर आपको जीवन में चंद्र ग्रह संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं, अब ये परेशानियाँ क्या होती हैं, सबसे पहली परेशानी होती है अंदर की खुशी। इंसान कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील करता है, अकेला फील करता है जीवन में, इतने लोगों के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनापन वो तलाशता है और वो अपनापन ना तो आपको अपने परिवार में मिल रहा है ना बाहर से मिल रहा है, है भी पर कहीं ना कहीं आपको फिर भी वो मिसिंग फैक्टर नज़र आते हैं। वो मिसिंग फैक्टर क्या होते हैं, परिवार में एक दूसरे के बीच में वो प्यार ना रहना, वो कम्युनिकेशन ना रहना, वो स्नेह जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, कहीं ना कहीं घर के पारिवारिक क्लेश होते हैं, ये सब कुछ हैं तो आपको चंद्र ग्रह की परेशानियां हैं। चंद्र ग्रह जिसके डिस्टर्ब होते हैं वो व्यक्ति पैसा जोड़ नहीं पाता है, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही चंचल ग्रह की प्रवृत्ति रखते हैं और एक ऐसी चंचलता आपके पैसों में भी होती है क्योंकि पैसा धन लक्ष्मी माया ये बहुत ही चंचल हैं और आपके हाथ में आते ही खर्चे पहले ही तैयार होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चंद्र उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रेंथ वो पावर आपके जीवन में चंद्र ग्रह की नहीं है जिसके कारण आपको पैसों की दिक्कत बनी रहती है। और जब चंद्र आपके डिस्टर्ब हो तो इंसान कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का बहुत शिकार होता है, उसको इमोशनल अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इमोशनल अत्याचार यानी कि ये बहुत सॉफ्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं और ऐसी सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को ये मौका दे देती है कि छोड़ ये तो कुछ नहीं करने वाला, ये तो बहुत ही शरीफ है, इसको जो मर्जी कह ले जो मर्जी कर ले, ये बात इस तरह से कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में रहती है आपकी एक अपीरेंस को देखकर आपके व्यवहार को देख के, क्योंकि आपका चंद्र इतना मजबूत नहीं है कि आपको वो सामाजिक एक किस तरह से बर्ताव करना है किस तरह से लोगों को डील करना है ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको मिल नहीं पाता है जिसके कारण आपको लोग परेशान करते हैं, लोग बुली करते हैं, लोग आपकी टांग खिंचाई करते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, वर्क प्लेस है चाहे
कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे घर है, चाहे कहीं पर भी, लोग आपको इस तरह के मिलते हैं जो आप परेशान करने वाले मिलते हैं, ठगने वाले मिलते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले मिलते हैं, आपके एक सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये शरद पूर्णिमा का जो दिन है आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि चंद्र को उतनी मजबूती मिल जाए जो आपको मानसिक रूप से मजबूत कर सके। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कोई किसी तरह से OCD की प्रॉब्लम है, किसी तरह से उनके मानसिक विकार हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, दिमागी कहीं ना कहीं कोई परेशानियां हैं, या फिर उनके दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होती है, हार्ट पैल्पिटेशन होती है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके लिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ज़रूरी है। जिनके घर में माँ हैं उनके लिए भी, जिनकी माँ नहीं है उनके लिए भी इस दिन कुछ एक ज़बरदस्त उपाय करना है आपको। आपके घर में अगर आपकी वाइफ और आपकी माँ यानी कि सास बहू का अगर झगड़ा होता है तो इस दिन आपको उपाय करना है। आपके चेहरे की सुंदरता कम होती जा रही है, वो सुंदरता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, कॉम्प्लेक्शन आपका कहीं ना कहीं डल होता जा रहा है, आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रह से हम शरीर की एक ऊर्जा को भी यहाँ पर मापते हैं कि आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, आपके अंदर कितना जल तत्व है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके अंदर कितना साहस बना के रखता है। जिनके चंद्र डिस्टर्ब होते हैं उनको गले की खराश, सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें बनी रहती हैं, तो ये दिन भी आपके लिए उपाय करने का है। चलिए अब हम उपाय समझ लेते हैं कि ये जो एक पावन दिन है, इस पावन दिन में उस एनर्जी, उस ऊर्जा को हम किस तरह से आशीर्वाद स्वरूप ले सकें और जो आपका जीवन बदल दे। यहाँ से एक उपाय और होता है जो कि शरद पूर्णिमा से लेके करवा चौथ तक होता है, जिसमें पानी को एनर्जाइज किया जाता है, पानी को वो ऊर्जा दी जाती है, और ये पानी आप अपने जीवन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रोगी है, बाल झड़ रहे हैं, बालों की समस्या, आँखों की समस्या, कोई चर्म रोग है, ये समय आपके लिए उपाय करने का। पहला काम करिए, आप कोई चांदी का बर्तन ले लीजिए या फिर कोई बड़ा ऐसा खुला पात्र नहीं है तो आपके घर थाली होगी, थाली में आप जल भरिए, पीने वाला पानी भरिए, और इस थाली को चांद की रोशनी में आप अपनी छत पर जाकर रखिए, ऐसी जगह रखिए, अपनी बालकनी में रख सकते हैं जहाँ पर सीधी चांद की रोशनी पड़ रही हो। ये 16 अक्टूबर का दिन यही आपको उपाय करना है, और इस जल को आप किसी तरह से चाहे तो थोड़ी देर रखिए, या फिर आप इसको वहीं पर ही रहिए, या फिर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल है तो बहुत बढ़िया, उसके अंदर जल भरिए, ढक्कन लगा दीजिए और इस बोतल को आप चांद की रोशनी में रखिए, रात भर रखा रहने दीजिए, और सुबह उठ के इसको आप ले लीजिए और इस जल को आप रोज़ाना इस्तेमाल करिए। कोई घर में रोगी है तो रोगी को देना शुरू करिए, और साथ ही साथ इस दिन और भी चीज़ों को एनर्जाइज करने का दिन होता है। अगर अपने हाथ में आपने सफ़ेद रंग का मोती पहना है या फिर गोल्डन कलर का मोती पहना है तो उसकी ऊर्जा उस समय बहुत अच्छी थी जिस समय वो आपने पहना था, क्योंकि वो एक तरह से ऊर्जावान बनाकर आपको मिलता है। आपके यहाँ जहाँ पर आप उसको शुद्धिकरण कराते हो, वो पूजा प्राण प्रतिष्ठा से वो ऊर्जा बनी रहती है, पर हमारे नित्य कुछ कर्म है ऐसे हैं जिनके कारण वो ऊर्जा कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाती है, या फिर हमारे ग्रह में ही इतनी कमज़ोरी होती है कि ऊर्जा को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो इस दिन आप अपनी अंगूठी को, उस मोती को, चाहे सफ़ेद है चाहे गोल्डन है, गोल्डन कलर है मोती या फिर वाइट कलर मोती है, तो आप रात भर चंद्र देव की इस ऊर्जा में आप रखिए, इस रोशनी में रखिए, और सुबह को फिर इसको नहा धो के धारण कर लीजिए। देखिए, आपके लिए एक वर्ष के लिए आपने वो एक जो पावर होती है बैटरी में आपके चार्ज हो चुकी है, एक तरह से वो बैटरी है चंद्र का आपके हाथ में मोती। अब देखिए किस तरह से वो एहसास आपको होगा, वो ऊर्जा का एहसास होगा। चंद्रमा की शक्ति ऐसी होती है जो समुद्र में भी ज्वार भाटा लेकर आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्र घटता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है, उस तरह से समुद्र का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, ज्वार भाटे आने शुरू हो जाते हैं, शारीरिक उथल पुथल, मानसिक उथल पुथल शुरू हो जाती है, चोरी, डिप्रेशन, ठगी, मर्डर्स इत्यादि, ये सब चंद्र से कनेक्टेड हैं। पागलों की अगर हम बात करें तो पागल भी कहीं ना कहीं पूर्णिमा या फिर अमावस्या, इस तरह के जो घटाव और बढ़ाव वाले दिन होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, इस दिन आपको खीर बनानी है, चावलों से बनी हुई खीर, चावल की खीर लीजिए,
रात भर उसको रखिए, चाहे तो आप एक हल्का सा उसके ऊपर कुछ ग्लास यानी कि कांच का आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो कपड़े से ढक लीजिए। अगर आपको लगता है कीड़े इत्यादि गिर सकते हैं तो कपड़े से ढक लीजिए, कोई आपके घर चुनरी इत्यादि होगी उससे ढक लीजिए, रात भर रखिए और सुबह उसे प्रसाद के रूप में आप अपने परिवार में लीजिए। और अगला उपाय है चांदी की डिबिया का। ये उपाय देखिए, मेरे हाथ में चांदी की डिबिया है, एक छोटी सी डिबिया, ये छोटी सी डिबिया लेनी है। इसमें क्या करना है आपने, अब ये उपाय बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी छोटी सी चांदी की डिबिया ले लीजिए। ये देखिए, ये चांदी की डिबिया है, ये ढक्कन इसका इस तरह से, ये आप इसको, ये छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इस तरह से मार्केट में मिल जाएगी आपको चांदी की डिबिया, ये ले लीजिए। और एक ये सफ़ेद मोती, सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, ये आप ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, डिबिया में चावल डालिए और ये जो सुच्चा मोती जो आपको वाइट कलर का दिखाया, ये भी चावल में इस तरह से रख लीजिए। रख कर इस डिबिया को आप चंद्र की रोशनी में रात भर रख कर छोड़ दीजिए। आप अपने घर की खिड़की के पास रख सकते हो, बालकनी में रख सकते हो, आप अपने घर की जहाँ आपको लगता है सेफली रखी रहेगी, नहीं कोई उठाएगा या नहीं कोई गिर जाएगी, तो इस तरह से कर सकते हो। आप नहीं कर सकते तो घर में आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, वो इस डिबिया को तैयार करके रख लें, कोई भी आपका जानने वाला कर सकता है जो आपको दे दे। इस तरह से आप ये डिबिया एक चार्ज डिबिया हो जाती है, इसमें चावल चंद्र के हैं, मोती चंद्र का है, चांदी चंद्र की है, और वो चंद्र की रोशनी जो कि वर्ष में एक बार मिलती है, उस रोशनी को आपने, उस ऊर्जा को आपने एनर्जाइज या चार्ज करके अपने पास रख लिया। ये डिबिया अब आप अपने घर के लॉकर में रखिए, संभाल के रखिए, या फिर अपने कपड़ों में अपनी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं उनमें संभाल के रखिए। इस डिबिया से समझ लीजिए आपने घर में आपने चंद्र को स्थापित कर लिया। जिनके घर में पैसों की दिक्कत रहती है, जिनके घर में हमेशा क्लेश रहता है, शांति नहीं है, वो चंद्र को स्थापित करें, देखें किस तरह से उसके घर में एक सुख शांति, पैसों की बढ़त होनी शुरू हो जाएगी। अब अगली चीज़ जो मेरे हाथ में है, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, कैसे समझिए। इस दिन आपको अपने चंद्र को मजबूत करने के लिए सुनहरे रंग का मोती पहनना है। सुनहरे रंग का मोती मेरे हाथ में है और कुछ ये जो इसकी जो मोती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। पहले तो देखिए, ये लैब टेस्टिंग का एक सर्टिफिकेट है जिसमें एक सुनहरे रंग का आपको मोती दिखाई दे रहा है, नेचुरल साउथ सी पर्ल हो गया। और ये इसकी एक बहुत सुंदर सी पैकिंग है जो कि जेम ट्रू लैब की है। और इसके साथ साथ ये इसकी जो डिबिया है, ये देखिए, ये भी पैकिंग, इसके साथ प्रॉपर जो पैकिंग होती है बार कोड के साथ और इस तरह से। और ये चांदी में बना हुआ, ये देखिए, ये एक आपको गोल्डन कलर का मोती दिखाई दे रहा होगा, देखिए गोल्डन कलर का मोती और ये चांदी में बना हुआ एक मोती है। इस मोती में खासियत ये होती है कि ये दो ग्रहों की शक्ति एक ही मोती में मिल जाती है। सुनहरा रंग बृहस्पति का है, मोती यानी कि पर्ल जो कि चंद्र का रत्न है, और ये दोनों शक्तियां जब आपस में मिलती हैं तो बृहस्पति चंद्र की खराबियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदायक होते हैं। ये मोती आपको मोती का भी असर देता है और पुखराज तक का असर दे देता है। जो लोग पुखराज पहनना चाहते हैं वो सुनहरा मोती पहने, देखें उसको कितना लाभ मिलेगा। और ये इस तरह से आप मोती बनवा के आप इसको धारण कर सकते हैं। देखिए, इस दिन पहना हुआ ये मोती आपके अनेकों परेशानियों को दूर कर सकता है। अनेकों परेशानियां, आपको मानसिक टेंशन रहती है, पैसे नहीं बचते हैं, मन खुश नहीं रहता है, कोई डर चिंता वहम बनी रहती है, आपका फोकस कंसंट्रेशन नहीं बनता है, लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, एक आत्मबल, एक प्रेजेंटेशन टेक्निक कहीं ना कहीं आप खो बैठे हो, आपको कहीं ना कहीं सेहत की परेशानियां रहती हैं, बाल झड़ते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम रहता है, पेट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है, इन सब को ये सही करता है सुनहरा मोती। और पहनने का दिन शरद पूर्णिमा को, इस दिन आप खुद से अपने घर एनर्जाइज करें, और दिन बहुत कम बचे हुए हैं कि आप मोती अपने पास मंगवा सकें। तो ये आप लोगों के लिए सुविधा अनुसार ये जानकारी दी जा रही है कि आप अभी अगर बनवाना चाहते हैं तो अपना रिंग साइज़, इसे चाहे तो अंगूठी में पहन सकते हैं, चाहे लॉकेट में पहन सकते हैं, तैयार करवा लीजिए और शरद पूर्णिमा वाले दिन खुद से इसे एनर्जाइज या चार्ज करिए और इसको पहनिए। देखिए आपको कितना एक अलग ही सुखद अनुभव होना शुरू हो जाएगा, वो ऊर्जा आपके साथ आ जाएगी।
इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई है और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बाकी इसी तरह की और जानकारियों को लेकर मैं नई वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।